चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा स्टिफनेस मेथड का। क्या लिखा है? एनालाइज द कंटीन्यूअस बीम शोन इन फिगर बाय यूजिंग स्टिफनेस मेथड। अब याद रखना, स्टिफनेस मेथड के दो मेथड है। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है मेंबर स्टिफनेस मेथड। मेंबर स्टिफनेस मेथड एग्जाम में आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट प्रिफर करना डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड, क्योंकि ये मेथड सिंपल है एंड कम टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें समय कम लगता है सॉल्व करने के लिए। वेरियस मेंबर स्टिफनेस मेथड भी इजी है, बट इसमें समय ज्यादा लगता है आपको सॉल्व करने के लिए। तो आई विल ऑलवेज प्रिफर डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड। तो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट स्टिफनेस से सॉल्व करूंगा, ठीक है? तो क्या करो, डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम के नीचे में एक ऐसी लाइन खींचना जॉइंट्स की। ये जॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है? अब सबसे पहला स्टेप मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इसका सबसे पहला स्टेप है डोका है, मतलब डिग्री ऑफ क्या था, काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। रिमेंबर, इसको बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ डोकाई। का मतलब क्या होता है? आपके सिस्टम में नंबर ऑफ अननोन रोटेशंस कितने हैं, ठीक है? जैसे मान लो जॉइंट ए फिक्स है, जॉइंट ए क्या है, फिक्स है। ये सिस्टम में रोटेट कर सकता क्या? विल इट रोटेट? हेलो, नहीं सर। रोटेट नहीं करेगा। पर बी और सी कर सकता, बी एंड सी कैन रोटेट। हाँ तो बी का रोटेशन मैं यहाँ पे 1 मार्क करूंगा, ऐसा 1 मार्क करूंगा, और इसका 2 मार्क करूंगा, ठीक है? बी के रोटेशन को 1 मार्क करूंगा, टू इसको सी को 2 मार्क करूंगा। और बीम में हम लोग वैसे भी हॉरिजॉन्टल डिफॉर्मेशन को निग्लेक्ट करते हैं, आपको पता है। हम लोग इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को इग्नोर करते हैं, तो सिर्फ मैं जॉइंट बी का रोटेशन और जॉइंट बी का सी सी का रोटेशन कंसिडर करूंगा। तो बोलो इसका डोका कितना होगा? डोका विल बी 2, ठीक है? ये पहला स्टेप होगा। सेकंड स्टेप, आप बना लो इसका डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स। डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स डी, अननोन कौन से आपके? एक थीटा बी अननोन है और थीटा सी अननोन है। ये आप कॉपी करो। चलो अपना स्टेप टू क्या था? डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स, ठीक है? अब आ जाओ स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 है आपका स्टिफनेस मैट्रिक्स। देखो स्टेप नंबर 3 इज स्टिफनेस मैट्रिक्स, ठीक है? अब ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। आपका डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी कितना है? 2 का है। तो आपका जो स्टिफनेस मैट्रिक्स बनेगा वो भी 2 बाय 2 का बनेगा। कितना बनेगा? 2 बाय 2 का। इसके सबसे पहले पार्ट में मैं क्या करूंगा, आपका यहाँ पे अननोन क्या क्या है बेटा? आपका एक अननोन है थीटा बी, दूसरा क्या है? थीटा सी। सी तो क्या करना, पहले सबसे पहले रोटेट करना बी को। वी विल रोटेट बी। बी को मैंने नंबर क्या दिया? 1 दिया था नंबर, याद है? हाँ बी की नंबरिंग है 1। तो क्या करना, पहले पूरे सिस्टम को फिक्स करना, पहले पूरे सिस्टम को फिक्स कर देना ऐसे। अब मेरे को रोटेट किसको करना है बताओ? को बी को। तो जब मैं बी को रोटेट करूंगा ना, तो स्टिफनेस मैट्रिक्स में उसको मैं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगा। तो जब मैं बी को रोटेट करता हूं, मैं एक ही बार फिगर ड्रॉ करूंगा प्रॉपरली। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग शॉर्टकट में करूंगे, ठीक है? तो बी को मैं रोटेट कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज ऐसा, थीटा बी, ठीक है? तो इसका इलास्टिक कर्व ऐसा बनेगा। ये डायग्राम नहीं ड्रॉ कर तो भी चलता, ठीक है? थीटा बी की वैल्यू कितनी है? 1 है। मैंने इसको यूनिट रोटेशन दिया हूं, थीटा बी कितना है? 1। तो जैसे ही मैंने उसको यूनिट रोटेट किया बी जॉइंट को, यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप होगा, वो बनेगा 4EI/L। जब जब आप किसी भी जॉइंट को रोटेट करते हो और उसका फार एंड ए क्या है, फिक्स है, जॉइंट ए क्या है, फिक्स है ना,
तो तब मोमेंट डेवलप होता है 4EI/L। चलो बताओ, पहला स्पैन AB का लेंथ कितना है? 10 10। तो 4EI/10 करो, 4EI/10 करो, ये बनेगा 0.4 ई है, करेक्ट। सिमिलरली जॉइंट ए पे आएगा, उसका आधा मोमेंट, पूरा सिस्टम फिक्स है ना, तो वो इसका आधा मोमेंट खींच लेगा, ये बनेगा 2EI/L। क्या बनेगा? 2EI/L, तो 2/10 कितना होता है? 0.2 0.2 ई है। अब सेम चीज करो बीसी के साथ, बी को रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऐसा रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी एंटी, यहां पर भी मोमेंट डेवलप होगा 4EI/L। तो चलो पुट करेंगे 4EI/L, 4EI है 1.5 अपॉन एल कितना है 6, तो करो 4EI है 1.5L अपॉन 6, बताओ कितना था? 4 × 1.5 इज 6 अपॉन 6, कितना बनेगा? 1 और B का फॉर एंड सी फिक्स है, तो ये उसका आधा मोमेंट खींच लेगा, 2EI/L, 1 का आधा कितना होगा 0.5, बोलो करेक्ट है क्या? हाँ देखो नेक्स्ट इसमें रोटेट किसको करेंगे? सी को, ये ए भी हो गया और ये बीसी हो गया। जॉइंट सी को रोटेट करो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप होगा बी और सी पे। सी का इफेक्ट बी पे आएगा, बी ए पे इफेक्ट आएगा क्या? नहीं। इफेक्ट बी पे आएगा पर बी ए पे इफेक्ट नहीं आएगा, तो यहां पर जो मोमेंट डेवलप होगा ना वो डेवलप होगा जीरो, समझे? चलो यहां पे अप्लाई करो 4E, उसका आई है 1.5 I, लेंथ कितना है 6, ये बनेगा 1 ही है और ये बनेगा 0.5 ही है, उसका आधा। जिसको रोटेट करोंगे वहां पर 4EI/L, उसके फार एंड को 2EI/L, समझा? हाँ सर। अब सी को रोटेट करने पे उसका फार एंड बी को फिक्स, बी पे फर्क पड़ा हाफ आ गया, पर ए बी पे फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पर जीरो मोमेंट डेवलप होगा, ठीक है? अब देखो मैंने बी को क्या नाम दिया था, बी को क्या नाम दिया था? 1 दिया था और सी को 2 नाम दिया था। तो अब मैं स्टिफनेस मैट्रिक्स की लोकेशन मार्क कर रहा हूं, जो जॉइंट बी है इन दोनों को मिला के जॉइंट बी बन रहा है, ये जॉइंट सी है, तो ये स्टिफनेस है पहले लोकेशन पे, ये स्टिफनेस है सेकेंड लोकेशन पे। मैंने किसको रोटेट किया पहली बार में? बी को बी को, मतलब 1 को किया, तो यहां पे लिखो 1 1। फिर से सबसे पहले लोकेशन लिखना, ठीक है? स्टिफनेस बी का लोकेशन क्या है? 1 है। सी का लोकेशन क्या है? 2 है। किसको रोटेट किया अपुन ने? 1 को किया ना, तो K11 2 1। अब इस पे ध्यान दो, जॉइंट बी को अपुन ने क्या लोकेशन दिया था? 1। जॉइंट सी को 2 दिया था। सेकंड स्टेप में किसको रोटेट किया हम लोगों ने? सी को। सी मतलब 2 है, तो K12 K22। तो इसका स्टिफनेस मैट्रिक्स के क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा K11 K12 K21 K22। चलो K11 कितना है? दोनों को ऐड करो, ये 1 है, ये 0.4 है, कितना हो जाएगा 1.4 1.4। K12 कितना है? 0 + 0.5 0.5।0.5 K21 कितना है? 0.5 0.5। K22 कितना है?1 सबका ई आई कॉमन बाहर लिख लिया, ठीक है? चलो नोट करो फटाफट। नेक्स्ट पेज। हो गया सर।
चौथा स्टेप हम निकालेंगे हम लोग लोड मैट्रिक्स। लोड मैट्रिक्स क्या करो, बीम्स को अलग अलग ड्रॉ करो। यहां पे लोड कितना, 50 का लोड है 37। दिस इज 50 का लोड 37 और यहां पे यूडी लाना 10 का लोड 6 का स्पैन। ठीक है, अब ये स्टेप पे ना आपको फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है। क्या निकालना है, फिक्स्ड एंड मोमेंट। यहां पे एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज लिखेगा क्लॉकवाइज। जब लोड सेंटर पे नहीं होता है तो फिक्स्ड एंड मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और यहां क्या था, डब्ल्यू बी ए स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। याद है क्या, ये फिक्स्ड एंड मोमेंट है। यूडी वाला केस क्या था, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, करेक्ट। हाँ सर, याद रखना स्टिफनेस मैट्रिक्स का साइन कन्वेंशन उल्टा है। इसमें क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। चलो वैल्यू निकाल लो, 50 इंटू ए कितना 3, बी है 7 का स्क्वायर बाय 10 का स्क्वायर। आंसर निकाल लो, कितना रहा, 73.5 रहा। हाँ सर, ये करो माइनस डब्ल्यू बी ए स्क्वायर बाय स्क्वायर, 50 इंटू 7 इंटू 3 का स्क्वायर बाय 10 का स्क्वायर, कितना रहा, 31.5, माइनस 31.5। अब डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 लगाओ, 10 इंटू 6 का स्क्वायर बाय 12 करो, ये आएगा 30, ये आएगा माइनस 30, करेक्ट। इस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं एडीएल। क्या नाम देंगे, एडीएल मतलब एक्शन ड्यू टू लोडिंग। लोडिंग की वजह से सपोर्ट पे क्या एक्शन हो रहा है। ठीक है, आपका काम का जॉइंट कौन सा बताओ, काम का जॉइंट कौन सा, बी और सी, बी और सी काम का है। ये बी काम का है और सी काम का है। बी को नाम दिया मैंने 1, सी को नाम दिया मैंने 2, बराबर। तो मैं आपसे लिख रहा हूं 1 2 1 2। अब 1 नंबर कहां था, बी पे था, ये था। तो जब मैं लोड मैट्रिक्स बनाऊंगा ना तो जॉइंट बी के मोमेंट्स कॉपी करूंगा। करो कॉपी, माइनस 31.5 प्लस 30 कितना हो जाएगा, माइनस 1.5। ये हो गया 1 का। जॉइंट सी में 2 का कॉपी करूंगा कितना, माइनस 30, समझा। अब इसमें एक और मैट्रिक्स बनता है एडी। एडी मतलब जो तुम्हारे जॉइंट है काम के, बी और सी, उस पे चेक करो बी और सी पे कोई एक्सटर्नल मोमेंट है क्या। जॉइंट बी पे या सी पे कोई एक्सटर्नल मोमेंट है क्या, जैसे मान लो मैंने जॉइंट बी पे दिया था 50 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट, ऐसा कोई मोमेंट दिया था क्वेश्चन में, नहीं। नहीं, तो एडी का नाम है एक्शन एट द नोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते उसको, एक्शन एट द नोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपका नोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कौन सा, बी और सी है, वहां पर कोई एक्सटर्नल मोमेंट है क्या बी सी पे, तो वहां 0 0। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्शन एट द नोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आ जाओ पांचवें स्टेप पे। अब हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन। ये सेकंड लास्ट स्टेप है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन। इसका फॉर्मूला याद रखना, एडीएल प्लस के इंटू डी इक्वल्स टू एडी। ये फॉर्मूला है, एडीएल प्लस के इंटू डी इक्वल्स टू एडी। बोलो एडीएल कितना अपना,
माइनस 1.5 माइनस 30 सही है क्या? हाँ सर, ये बताओ के 1.4 हाँ 1.4 पॉइंट 0.5 फाइव पॉइंट फाइव 0.5 1 ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स क्या है? थीटा बी एंड थीटा सी बराबर, और ये तो जीरो था अपना करेक्ट। हाँ अब सर, इसलिए देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको साइमल्टेनियसली आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ये रो है ये कॉलम है बराबर, तो 1.4 थीटा बी प्लस 0.5 थीटा सी करेक्ट। हाँ सर, ये मैट्रिक्स जब राइट में जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो माइनस 1.5 बिकम्स प्लस 1.5 इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये 0.5 थीटा बी प्लस 1 थीटा सी इक्वल टू माइनस 30 बिकम्स थर्टी सर वो ई आएगा ना डिवीजन में। हाँ ई आई डिवीजन लगेगा बराबर करेक्ट बोला आपने, ई आई लगेगा डिवीजन का ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो साइमल्टेनियसली, थीटा बी बताओ थीटा सी बताओ। वन पॉइंट फोर पॉइंट फाइव 1.5 पॉइंट फाइव 1 30 यार माइनस 11.739 मतलब 74 अपॉन ई है। एक बार आंसर क्वेश्चन करना 35.86 अपॉन ई है। हो आंसर गया सर। सर ई आई की वजह से इस पे फर्क नहीं पड़ेगा क्या कैल्सी में, मतलब नहीं, यह तो ई आई कॉन्स्टेंट कॉन्स्ट। है ना, यह तो कॉन्स्टेंट है ना, वो सिर्फ मैं डिवाइड में कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप कैलसी में ये डालना नहीं ना, आप सिर्फ नंबर्स को लिखो ना उसमें कैलसी में, ठीक है जब आप पुट करते हो ना इक्वेशंस आप सिर्फ नंबर पुट करो ठीक है। लास्ट स्टेप फाइनल मोमेंट्स, लास्ट स्टेप क्या है फाइनल मोमेंट्स। अब इसका फॉर्मूला सिंपल है, ए आर इसको बोलते हैं ए आर मतलब रिक्वायर्ड एक्शन, मतलब लोडिंग की वजह से तुम्हारा फाइनल एक्शन क्या आ रहा तुम्हारे बीम पे ठीक है, इसको बोलते हैं ए आर डी प्लस स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स डी ठीक है। ए आर इक्वल टू ए आर डी प्लस स्टिफनेस, नहीं एक मिनट को ए आर डी नाम नहीं, एक मिनट को इसका नाम अलग है, इसका नाम है ए आर एल और स्टिफनेस का नाम है यहाँ पे ए आर डी नाम दिया बोला ठीक है। अभी ए आर एल का मतलब होता है रिक्वायर्ड एक्शन ड्यू टू गिवन लोडिंग, मतलब लोडिंग की वजह से एक्शन कितना है, और ए आर डी मतलब रिक्वायर्ड एक्शन एट द नोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स एंड डी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट्स। चलो आपको रिक्वायर्ड एक्शंस कहाँ पर कहाँ पर है, आपकी बीम कैसी है, ए बी सी है ना, बीम क्या है ए बी सी है, तो आपको जॉइंट ए पे मोमेंट होना बी पे होना और सी पे होना करेक्ट, हाँ मतलब आपको मोमेंट होना पहले ए बी पे फिर होना बी ए पे फिर होना बी सी पे और लास्ट होना सी बी पे करेक्ट। अब ए आर एल में आप देखना फिक्स्ड मोमेंट क्या है आपके, व्हाट आर योर फिक्स्ड मोमेंट्स, चेक करो ए बी पे फिक्स्ड मोमेंट क्या था यहाँ पर ये वाला 73.5 प्लस है तो 73.5। बी ए पे कितना है, बी ए पे देखना -31.5 वेरी गुड माइनस 31.5। बी सी बताओ
+30 -30 +30 -30 +30 -30 प्लस ए आर डी, मतलब यहां पर अभी आप तुमको देखना है स्टिफनेस एक एक पॉइंट पे। जैसे मैं बात करूंगा एबी की, तो एबी के स्टिफनेस क्या क्या है देखो, ये अपना स्टिफनेस मैट्रिक्स है। ए बी बोला तो सिर्फ जॉइंट ए का देखना, बोलो जॉइंट ए पे कितना है, 0.2 ही है। पॉइंट टू ही है, और यहां पे कितना ए पे, ये वाला जीरो। जीरो, तो यहां लिख रहा हूं 0.2 और 0, ई आई बाहर निकाल लिया। अब बी ए पे चेक करो, लोकल लेवल पे बी ए पे देखो ये दिख रहा है 0.4 वाला, बी पे दोनों को ऐड मत करना अभी, अभी मैं लोकल लेवल की बात कर रहा हूँ, बी ए की बात कर रहा हूँ। तो बी ए पे कितना है, 0.4 0.4 का स्टिफनेस है, और यहाँ पे कितना है, जीरो। जीरो। तो ये 0.4 जीरो। बी सी भी चेक करो, पहले यहाँ चेक करो बी सी, ये कितना हुआ ना, पॉइंट यहाँ कितना है, पॉइंट फाइव, फाइव तो ये 1, ये 0.5। अब सी बी भी चेक करो, ये सी है 0.5, और ये कितना है, वन 0.5 और ये 1। और डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, थीटा बी कितना बताओ और थीटा सी कितना बताओ, -11 पॉइंट, मैं और दूसरा क्या है, 35.86 इंटू 1/E है, ये 1/E है और ये इंटू वाला ये कट जाएगा। चलो अब मैं तुमको शॉर्टकट बताता हूँ कैलसी में डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना। देखो सबसे पहला नंबर क्या है बी ए का, बताओ बी ए का सबसे पहला नंबर क्या, 70, -130। 73.5 ना, प्लस हाँ क्या करना, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, प्लस करना 0.2, 0.2 इंटू कितना हो, राइट साइड में 11.74 है, हाँ फिर प्लस 0 इंटू कितना, 35.86, हाँ कितना रहे, क्या था, 71.15। सर एक बार और बताना। देखो पहले 73.5 कॉपी करना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 73.5 कॉपी किया, प्लस ये भी करा, प्लस यहाँ लिखा 0.2, ये 0.2 को पहले इस नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो 0.2 इंटू -11.74 प्लस 0 इंटू कितना, 35.86, समझा। -71.15 चलो अभी आप सेकंड ऑर्डर निकालो, करो -31.5 प्लस 0.4 इंटू, -36.19 -36.19, ठीक है। अब बीसी का निकालो, 30 प्लस 1 इंटू -11.74 प्लस 0.5 इंटू 35.86, कितना रहा, 36.19। बी ए और बीसी का मोमेंट मैच करेगा, याद रखना, ठीक है। तो -30, लास्ट वाले -30 प्लस 0.5 इंटू 11.74 प्लस 1 इंटू 35.86, जाएगा 0 के आसपास। आ रहा क्या, सेकंड माइनस हाँ सर। थर्टी, हाँ 0 आ रहा। ये 0 क्यों आ रहा हाँ मालूम है, जा क्योंकि सी एक सिंपल सपोर्ट है, यहाँ पर एक सिंपल सपोर्ट है, एमसी कितना हो जाएगा, 0 होगा ना, जीरो। इसलिए 0 आ रहा हूँ। कर लो कॉपी इसको, बस इसका बीएम रिपोर्ट करना है।
गया गया। नाउ विल प्लॉट बीएमडी। अब इसका हम बीएमडी प्लॉट करेंगे। देखो ए बी स्पैन बी सी स्पैन, ए बी का फाइनल मोमेंट कितना है, ए बी का यहाँ पर 71.71 सर। प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज ना, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज बराबर। हाँ सर। बी ए पे कितना, बी ए पे 36.19 माइनस मतलब क्लॉकवाइज, यहाँ पे प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज बराबर 36.19। और सी पे कितना, जीरो। अब ध्यान देना ए बी का सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीएमडी बनाना, सिंपली सपोर्टेड, पॉइंट लोड सेंटर पे नहीं है, एसेंट्रिक है, तो इसका बीएमडी ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ये बनता फॉर्मूला डब्ल्यू ए बी बाय एल। करो डब्ल्यू कितना है 50, ए कितना है 3, बी है 7/10 कितना होगा, 105। बाजू वाला है यूडीएल, उसका बनता है पैराबोला डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 लगाओ, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, 10 × 6 का स्क्वायर बाय 8 करो, 45। इसकी हाइट छोटी बनेगी बराबर, ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 से निकाला 45। अब देखो जो सपोर्ट का मोमेंट है वो कॉपी करना, अभी जॉइंट ए पे ये टेल कहां पर है, ऊपर है, जॉइंट ए पे ये मोमेंट की टेल ऊपर है ना, मोमेंट की टेल ऊपर मतलब हॉक करेंगी, यहां पर भी हॉक कर रही है, तो बीएमडी बनाते वक्त हॉगिंग को ऊपर दिखाते हैं, सैगिंग को नीचे दिखाते हैं सपोर्ट पे, तो ये 71.15 का ऑर्डिनेट ऊपर आएगा और इसका कितना 36.19, कनेक्ट बाय स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ऐसा, ये माइनस बचा हुआ सेक कर रहा, प्लस प्लस, दिस इज योर फाइनल बीएमडी। सो 36.19 नीचे नहीं आएगा क्या? नहीं ना वो हॉक करना बेटा, दोनों का टेल ऊपर है ना, देखो ना ये हॉक करना बेटा, हो गया सर। अब एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।